और इस वीडियो में आपको ए टू जेड में दिखाऊंगा कि आपका काठमांडू में एक दिन का खर्चा कितने होने वाला है। कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ की जो मार्केट्स है उसका। और यहाँ पे हमें ये मिली है तलवार। और यहाँ पे हमें मिली है खुकरी रम। इसका प्राइस है 20,176। और जो ये सुपर मार्केट है काफ़ी बड़ी है, ये देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश। और जैसा कि आपको पता है, कल रात को हॉस्टल पहुंचते दोस्त रात के 2 बज गए थे। तो आराम से पूरा रात को रेस्ट करने के बाद भी मैं हूं हॉस्टल के रूफ टॉप पे। और मेरे साथ यहां पे आए हुए हैं दीपक कैमरामैन, और इनको मैं 100 रुपये दिहाड़ी पर उठा के लाया हूँ नेपाल बॉर्डर से। तो दिन के 12 बज रहे अभी। और बाकी हॉस्टल का आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ मैं, व्यू कैसा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसका जो प्राइस है बता देता हूँ आपको, जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये है एक दिन का। और 200 रुपये में आपको 6 बेड के अंदर हॉस्टल में, 6 बेड होंगे आपके एक रूम में, वहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा। वॉशरूम वगैरह भी साफ थे। बाकी आपको हॉस्टल का टूर मैं भी दूंगा। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्टल लगा और आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आप काठमांडू हैं, थमेल लाए, नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं या फिर आपको मार्केट वगैरह कुछ भी जाना है, तो इस हॉस्टल को चुनिए। बहुत ही अच्छा हॉस्टल है और मात्र 200 रुपये में आप इसको एक दिन के लिए बुक कर सकते हैं। और यह है मेरे हॉस्टल का ऊपर रूफ टॉप का नज़ारा। मतलब सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, टीवी, बैठने के लिए सीट्स वगैरह भी। इवनिंग में आप जब जैसा माहौल होगा आपको वो मैं दिखाऊंगा। और ये ऐसा ही ऊपर भी दे रखा है, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे ऊपर का व्यू, यहाँ से आपको माउंटेन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पे हॉस्टल के जो मैनेजर वगैरह है वो यहाँ पे कैरम बोर्ड खेलते हुए ब्लॉग यूट्यूब के। तो अभी आपको मैंने दिखाई इस हॉस्टल की रूफ टॉप, और अब मैं आपको नीचे जाके रूम दिखाऊंगा यहाँ पे रूम कैसे कैसे अवेलेबल है। मुझे तो अच्छे लगे, बाकी आपको भी अभी मैं रूम का टूर देता हूँ। और ये है हमारे कमरा जहाँ पे हमने अपनी रात को स्टे करा था। और हर एक बेड पे आपको लाइट्स मिल जाएगी ऐसी जल्दी हुई, इसको आप पर्सनली ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमारे बेडों की क्या हालत हुई पड़ी है अभी ऐसा है, लेकिन जब बाद में होगा जब ठीक कर लेंगे उसको। तो इस तरीके के बेड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसका जो रेंट पड़ा है हमें सिर्फ 210 रुपये पड़ा है, और इस रेंज में आई थिंक काफ़ी सस्ता है। 200 रुपये में क्या ही आप लोगों, बच्चे की जान थोड़ी दे लोगे 200 रुपये में आपको एक दिन के लिए पूरा स्टे मिल रहा है। लुक भी ठीक ठाक है, लोकेशन भी आपका बिल्कुल थमेल के अंदर ही है जो काठमांडू का आपका सेंटर है। मेरी तरफ से थम्स अप है। और ये हैं आपके वॉशरूम्स। वॉशरूम कुछ खास नहीं है इसमें, वो दिखाने वाला कुछ ऐसा है भी नहीं। ये आपका बेसिक से वॉश मशीन है, ये आपका नहाने का है। लेकिन नहाने के लिए यहाँ पे जो हीटर है ना उसका जुगाड़ देखो उन्होंने क्या कर रखा है, सिलेंडर लगा रखा है, और सिलेंडर से आपका जो ये हीटर है पानी गर्म होगा। तो ये जुगाड़ मैंने भाई अपनी लाइफ में तो पहली बार देखा, सिलेंडर से आपका पानी गर्म हो रहा है। और अभी चलते हैं इस हॉस्टल से बाहर और आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू कैसा है। उससे पहले आपको मैं जो हॉस्टल के मैनेजर है इनसे मिलवा देता हूँ। हेलो सर, नमस्ते। और ये हमारे, इन्होंने जब हम रात को आए थे ना यहाँ पे, रात के 2 बजे थे, उन्होंने टैक्सी वालों से बात भी करी, काफ़ी हेल्प करी, बाहर तक भी आए। बहुत ही हम्बल पर्सन है। और मैं इस हॉस्टल को बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप इस हॉस्टल में ज़रूर रहिए। और कुछ कहना चाहोगे आप इंडिया के लोगों को? अगर आप नेपाल पर आते हो तो प्लीज़ हमको याद कीजिए। हमारा हॉस्टल का नाम है रेस्ट ऑफ काठमांडू हॉस्टल, यू कैन चेक इट आउट इन यूट्यूब एज वेल। हॉस्टल का बाहर का व्यू है। और ये खड़ा हमारा दीपक भाई। और ये भाई यहाँ का बाहर का व्यू है जो रोड है। और इस वीडियो में आपको ए टू जेड में दिखाऊंगा कि आपका काठमांडू में एक दिन का खर्चा कितने होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉस्टल का जो मेरा खर्चा था वो था सिर्फ 210 रुपये एक दिन का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सस्ता है। हॉस्टल भी आपका कोई बेकार नहीं था, क्लीन था, काफ़ी अच्छा था, उसमें मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। तो आप भी इस हॉस्टल में जब आओ या फिर सिमिलरली आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको उसके अंदर आप इजीली रह सकते हो। तो एक काम करते हैं, अभी स्ट्रीट रोड पर देखते हैं कुछ वहाँ पे कुछ लोकल अपना इंडियन खाना वगैरह मिलता है प्रॉपर, जो भी मिलता है आपको मैं दिखाता हूँ। तुम तो एक काम करो, 3 तो अब कर दो नॉर्मल चाय, ठीक है? 3 कर दो पराठे, आलू के ना, हाँ पराठे बटी कर दो। तो अभी 3 चाय और ये 3 पराठे आ चुके हैं, और इसकी टोटल कॉस्ट मेरे ख्याल से इंडिया में अपनी 100 रुपये भी नहीं बढ़ी है, बहुत ही कम कॉस्ट पड़ी है। तो अभी खाते हैं और आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। खाया
खा लिया खाना चले तो खा ही रहा हूँ। एक चीज बताओ, यहाँ पे दारू वारू जैसे मैं स्ट्रीट होल्डर्स कर रहे हैं, बियर वगैरह नॉर्मल सब दुकानों में मिल रही है, तो ये मतलब लीगली रोड वगैरह पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? पी सकते हैं, जहाँ भी पी सकते हैं, रोड पर भी पी सकते हैं। तो भाई और देख लो, जो भी पीने वाला बंदा है ना अपना यहाँ पे, जिसको पीने का शौक है, मैं तो पीता नहीं हूँ, जो भी पीनी है यहाँ पे नेपाल में और खुले में रोड पे आप दारू वारू पी सकते हो, बस आराम से पी, हंगामा मत करना अपना इंडिया वाला, नॉर्मल से पियो, कंट्रोल में रहो, बस बात यही है। 360 की है इंडिया में, कितने की भाई नदी पर, कितने की? ₹3.5 लाख की खरीदिए, घूम रहे हैं सारे अमीर है यहाँ पे। तो यहाँ का आपको जाएगी, सरकार गरीब है, जनता कोई भी गरीब नहीं है, जनता सब है। हाँ, जिसका यहाँ पे हॉस्टल है होटल है उसकी तो मौजूद है, यहाँ पर जो भी है ना सब अमीर है, जनता तो अमीर है, सरकार मात्र गरीब है, सरकार मात्र गरीब है। तो अभी आप देख सकते हो इस रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया है, इसमें हमें चाय पड़ी है 20 रुपए की और पराठा पड़ा है 35 रुपए का, और खाना मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा। मैं एक बात बोलूँ भाई, कसम से यार, ये मेन एरिया है आपका और साफ सफाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, गाड़ियाँ जो हैं मोस्टली इंडिया की ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो नंबर प्लेट है ना वो रेड कर रखे हैं, बाकी गाड़ियाँ सिंपली 800 अल्टो स्विफ्ट वगैरह सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, प्राइसेस बहुत महंगे हैं यहाँ पे। और गलियाँ, अगर आप थोड़ा दिल्ली में आए हो कभी, करोल बाग वगैरह, चांदनी चौक वगैरह घूम रहे हो, इस तरह की गलियाँ हैं, लेकिन कंडीशन उनकी अच्छी है, साफ सुथरे हैं, मेन डाउनटाउन काठमांडू जो है वहाँ के रोड्स आपके। और बाकी ट्रैफिक देखिए यहाँ पे कितना हुआ पड़ा इस टाइम, और शाम के 4 बज रहे हैं अभी। और अभी चलते चलते मैंने छोटी सी दुकान से यहाँ पे ये वाटर बोतल ली है, जो कि मुझे पड़ी है 25 नेपाली रुपीस की। अब 25 नेपाली रुपीस को 1.6 से डिवाइड कर दो, आपकी लगभग ये 14-15 रुपए की पड़ी है, 1 लीटर की बोतल है, और इंडिया में भी आई थिंक मोस्टली जगह 20 रुपए तक की तो मिलती है। तो पानी यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, लेकिन बाकी चीज़ें एवरेजली इंडिया से थोड़ी महंगी है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इंडिया से थोड़ा महंगा है। और चलते चलते अभी हम आ चुके हैं यहाँ का जो मेन सेंटर है आपका काठमांडू का, दरबार स्क्वायर, और इसका जो व्यू है अल्टीमेट है। अगर आपने दिल्ली का कनॉट प्लेस देखा हो तो कुछ उस तरीके की सी यहाँ पे फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आप कुफरी सब कुछ ले सकते हैं। और कितने की आती है? 2200 नेपाली। ये नेपाली जो लोग होते हैं यहाँ पे, ये हमेशा अपने घरों में एक एक रखते हैं, है ना? ये रखते किस लिए, मतलब क्या होता है इसका? मतलब सिर्फ एक ट्रेडिशन है, परंपरा है घर घर में, जैसे अपने घरों में मूर्ति वगैरह होती है वैसे इसको भी रखते हैं। अच्छा, अलाउड है लीगली? ऐसा तो कभी नहीं होता ना, ये कोई गुस्से में आ गया और ठीक है रास्ता मिल गया, अच्छा लगा आपसे, चलिए मिलते। कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ की जो मार्केट्स है उसका, फूड कैफे, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह, तो यहाँ पे आपको हर तरीके के रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। नो, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, चाय भी, हम तो बस ऐसी वीडियो बना रहे थे यहाँ पे, उन्होंने हमें चाय भी ऑफर करी, और अगर हमें मौका मिला, अभी 3-4 दिन यहीं पे हैं, अगर टाइम मिला तो आपके पास जरूर हम चाय पियेंगे। हिमालय। अच्छा, ये पहाड़ हिमालय हो गए। और अंकल ने हमें छोटे छोटे नेपाल का स्टिकर्स गिफ्ट करा है, थैंक यू अंकल, इंडिया आइए कभी। काफ़ी कुछ इंडिया से सिमिलर मिलता जुलता है, लेकिन जो थोड़ी सी वाइब्स हैं वो थोड़ी अलग हैं, और जो साफ़ सफाई है वो थोड़ी अपने यहाँ से ज़्यादा है। समोसा चाट कितने की तुम्हारी? आलू टिक्के चाट, आलू टिक्के प्लेट का 100 है, आपका 60 चलते भाई, थोड़ा सा रात दुखी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लिया जाए, और मैंने इस शॉप से यहाँ पे टिक्की चाट होती है बेसिक सा, हल्का सा बस स्नैक की तरह, ज़्यादा हैवी नहीं है, उसको थोड़ा सा खाते हैं, और मुझे पड़ा ये 60 रुपये का, नेपाली रुपये में, यानी इंडियन करीब करीब आपका 35-40 रुपये में इंडियन आपका पड़ा होगा, ठीक है, तो सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। बाकी आपको खाते बताता हूँ, अच्छा टेस्ट है, 40 रुपये में। भीड़ भी यहाँ पे काफ़ी थी, मैं यहाँ पे आया इसलिए भीड़ काफ़ी हुई पड़ी थी, और अभी भी देखो भीड़ कितनी है, हो गया भाई, जैकेट पहन रखी है मैंने, स्टिल ठंड काफ़ी लग रही है यहाँ पे अभी भी, मतलब ठंड यहाँ पे एक्चुअली ठंड, टेम्परेचर उतना हाई इतना कम नहीं है, लेकिन पंगा क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हवा चल रही है ना, हवा सीधा मंगनी भी आ रही है, इसी ने अब तक हमारी सुबह से रात तक ठंड ने दुखी कर दिया है। एक अंदर ना इनर वगैरह कुछ होना चाहिए था, सिर्फ एक जैकेट काफ़ी नहीं है यहाँ के लिए,
तो मैं तो भाई ये रिकमेंड करूँगा जब भी आओ यहाँ पे जैकेट वगैरह ना इनर वगैरह लेके आओ। और नेपाल में भी अपने इंडिया की तरह ऐसे वीकली मार्केट लगती है, जैसे अपने यहाँ पर लगता है ना सोमवार को लगता है बुध बाजार शुक्र बाजार, तो इस तरह की मार्केट यहाँ पे भी एज इट इज सेम लगती है आपकी। कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे रात का, ये देखिए। भाई अभी क्या हुआ, अभी में जो मेरा फ़ोन है, फ़ोन की जो मेरी सेल्फी स्टिक थी वो हल्की सी डैमेज हो गई थी, और फ़ोन से मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभार वीडियो वगैरह ले लेता था जहाँ पे मेरा कैमरा अलाउड नहीं हो। यहाँ पे मुझे सेल्फी स्टिक जो पड़ी है ये पड़ी है मुझे 800 नेपाली रुपीस की। इंडिया में थोड़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो आपकी थोड़ी चीज़ें हैं दिल्ली उस इंडिया से यहाँ पे आती हैं थोड़ा सा महंगा तो देना पड़ेगा। अभी मैं आ चुका हूँ एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जिसके अंदर मैं जाने वाला हूँ सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट में आपको दिखाऊंगा कि आपका कि नॉर्मल जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो भी ए टू जेड अपने ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अपना दूध दही वगैरह हो गया, ब्रेड वगैरह, जो बेसिक जो भी चीज़ होती है अंडे वगैरह, उसका नेपाल से और जो अपने इंडिया है दोनों में क्या डिफरेंस है, और आपको घुमाते हैं नेपाल की सुपरमार्केट। तो चलिए मेरे साथ। और जो ये सुपरमार्केट है काफ़ी बड़ी है, ये देखिए, लगभग यहाँ पे मोस्टली जितने भी आइटम्स हैं सब अवेलेबल है। सब कुछ तो मैं एक साथ कवर नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना मैं कवर करूँगी आपको। ना एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो पनीर है ना बहुत ही सस्ता है, 120 रुपए का आधा किलो, इंडिया में आई थिंक 120 रुपए का आधा किलो कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये है मक्खन का प्राइस, मक्खन बताता हूँ आपको, जमूल का मक्खन है अपने यहाँ पे 50 रुपए का मिलता है। अरे यार यहाँ पे भी 50 रुपए का है, और लेकिन जो ये 50 नेपाली है, तो ये तो सस्ता है इंडिया से यार, ये तो इंडिया में गलत हो रहा है हमारे यार, तो दिक्कत वाली बात है। और ये सब यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक अवेलेबल है 115 नेपाली रुपीज़ में, ये याद रखिएगा नेपाली रुपीज़ है, कोई भी इसमें इंडियन रुपीज़ नहीं है, तो इसको ये इससे काफ़ी थोड़ा सस्ता होने वाला है। 100 है तो आप मंगे चले 60-70 रुपए का ही वो होगा। और ये अमूल कूल की जो दूध की बोतलें आती हैं यहाँ भी सेम अवेलेबल है, और इसका रेट है आपका 25 नेपाली। और जो केले हैं यहाँ पे, केले मिल रहे हैं यहाँ पे 11 रुपए का एक बनाना, केला थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा मुझे इंडिया से ये महंगा लग रहा है, इंडिया में 4-5 रुपए का केला आपको नॉर्मली मिल जाता है। यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसका सेम ही प्राइस है अपने इंडिया से, ज़्यादा फर्क इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। और जो आपकी लेस कुरकुरे वगैरह जो भी अपने स्नैक्स वगैरह होते हैं उसका प्राइस 50 रुपए में आपको जो अपने यहाँ पे 25 रुपए का पैकेट मिलता है आजकल, वो सेम ही रेट है। तो यहाँ पे जितने भी इंडियन ब्रांड्स हैं आपकी लेस कुरकुरे सभी अवेलेबल हैं। तो 217 रुपए में आपको एक किलो सेम यहाँ पे मिल जाएगा, जो इंडिया से थोड़ा महंगा है, लेकिन सुपरमार्केट में आपका जो प्राइसिंग होती है थोड़ा आपका स्ट्रीट जो मार्केट में जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा महंगा ही होता है, लेकिन फिर भी इंडिया से थोड़ा सा ये जो नेपाल है एक्सपेंसिव है, रीज़न बेसिक सा है कि आपका वो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, वो टैक्सेस वगैरह मिला के थोड़ा सा ये महंगा हो जाता है आपको। और जो अंगूर हैं आपके 200 रुपये किलो, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सस्ता है, तो अंगूर यहाँ पे अपने इंडिया के कंपेयर में थोड़े सस्ते हैं। और इस तरह के यहाँ पे आपको फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और सुपरमार्केट में मैं दूध ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन मैंने पता करा अभी दूध यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा जीप सा फील हुआ, क्योंकि दूध के बिना ना मुझे नींद जल्दी नहीं आती, दूध तो चाहिए अपने को। तो देखते हैं बाहर कहीं पे दूध का जुगाड़ करते हैं, इस सुपरमार्केट में फिलहाल दूध नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं स्मॉल के जो वाइन एंड बियर शॉप है वो स्टोर के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो इंडिया की ब्रांड्स है वो सारी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो ट्यूब और बियर है इसका प्राइस है 295 रुपये, 295 का मतलब है 180-190 रुपये आपके इंडियन पड़ेंगे आई थिंक, लगभग इतना ही होगा ठीक है। और आपकी जो किंगफिशर है यहाँ पे, किंगफिशर का जो आपका प्राइस है 145 नेपाली रुपीज़ में आपका जो किंगफिशर दे रही है आपको मिल जाएगी, जिसका मतलब हुआ आपका 80-90 इंडियन रुपीज़, आई थिंक सस्ता है कुछ इंडिया की सबसे सस्ती है, मैं तो पीता नहीं हूँ आपका, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर जो भी पीने वाले हैं उनको ये एडवांस में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वाइन की बोतल भी मिल जाएगी, प्रीमियम ब्रांड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं सारी आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ पे रोड का रसलन रोड का, और यहाँ पे रेड लेबल की बड़ी सी बोतल पड़ी हुई है, इसका प्राइस है आपका 20,176 नेपाली रुपीज़ में, यानी लगभग आपकी 11-12 हज़ार रुपये की ये वाली बोतल है आपकी। आपको दिखाता हूँ रॉयल स्टैग की जो बोतल है वो कितने की है, 375 एमएल की ये बोतल है, इसका प्राइस है आपका 800 नेपाली रुपीज़, लगभग 500 रुपये आपका, अप्रॉक्स 500 ही हो गया आपका, 500 रुपये की आपको ये रॉयल स्टैग यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी पीने वाले हैं यहाँ पे आके अपना ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये मिली है
और यहाँ पे मैं मिली खुकरी रम, और इसकी शेप देखो कैसी है। तो अपना यहाँ पे खुकरी मिलती है, नेपाल के लोग यहाँ पे अपने घरों में रखते हैं, सेम उसी शेप के अंदर यहाँ पे आपकी रम भरी हुई है। अपने पापा के लिए उसने, दीपक ने बियर लिया, उन्होंने बोला था कि नेपाल से बियर लेके आने मेरे लिए, तो ठंडी हो जाए गर्म हो जाए पीने का कोई फायदा नहीं। तो इन सब चीज़ों से आपको आइडिया लग गया होगा कि आप नेपाल में एक दिन में कितने में रह सकते हैं। हॉस्टल आपका 200 रुपये का था, ट्रांसपोर्ट हमने लिया ही नहीं, वॉकिंग ही जा रहे थे, 50 रुपये ट्रांसपोर्ट के भी जोड़ लो आप रिक्शा वगैरह लोगे तो। उसके अलावा आपका खाना पीना 100 रुपये के अंदर एक बारी का आराम से हो सकता है, 2 बारी का आप 200 रुपये कर लो, आप चाय पराठे या फिर नॉर्मल खाना भी आराम से यहाँ पे 200 रुपये के अंदर दो बारी का कर सकते हो। तो आपका 200 रुपये में खाना हो गया, 200 रुपये में हॉस्टल हो गया, 50 रुपये में आपके जो ट्रांजिट वगैरह जो होता है आपका वो सब हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका मुश्किल से मुश्किल आई थिंक आप थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करोगे तो आपको 500-600 रुपये में, अगर आप बजट ट्रैवलर हो, आपका इजीली यहाँ पे आप रह सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। तो आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप बजट में हो, आपको ये फर्स्ट कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हो इंडिया से, तो नेपाल उनमें से एक हो सकता है, बिल्कुल आइए, अच्छी कंट्री है। हमारी जो माइंड में सोच है कि नेपाल गरीब है ऐसा कुछ भी नहीं है, काठमांडू स्पेशली आपका फुल्ली डेवलप्ड है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीचे पूछ सकते हैं, मेरा भी आ रहा होगा, राज का भी आ रहा होगा, इस ट्रिप में वो नहीं आ पाया लेकिन होपफुली नेक्स्ट ट्रिप में वो आएगा हमारे साथ। तो आप हम दोनों में से किसी से भी कोई भी क्वेरी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, एंड आई होप अच्छा ही लगेगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।